कारण है कि केंद्र सरकार और एलजी साहब 24 घंटे केवल और केवल दिल्ली सरकार के काम रोकने में अपनी पूरी एनर्जी लगा रहे हैं। कैसे दिल्ली सरकार के स्कूल रोकें, कैसे इनके मोहल्ला क्लिनिक रोकें, कैसे इनकी पानी की सप्लाई रोकें, कैसे इनकी बिजली रोकें। मेरा उनसे निवेदन है कि आप हमें हमारे काम करने दो, आप अपने काम करो, और अगर आपसे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं सुधरती, आप हमें दे दो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, हम दिल्ली को देश की सबसे सुरक्षित शहर बना के दिखा देंगे। नमस्कार, मैं नाजमिन खान और आप देख रहे हैं SPNI न्यूज। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को फंसाने के लिए एक अध्यादेश लाई। इस अध्यादेश को राज्यसभा में पेश करने की बात कही गई और ये कहा गया कि इस अध्यादेश के बाद यहां पर अरविंद केजरीवाल ने जो अधिकार छीने हैं LG से वो वापस लिए जा सकते हैं। लेकिन जिस तहत यहां पर अरविंद केजरीवाल ने अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के तहत DY चंद्रचूड़ जो जस्टिस हैं उन्होंने सीधे तौर पर जो फैसला सुनाया था वो इस हक में था कि अरविंद केजरीवाल के अधिकारों को कोई नहीं छीन सकता है। अरविंद केजरीवाल के पास जो अधिकार हैं उनमें फैसला लेने का हक उनके पास ही हो सकता है, इसमें कोई भी दखल अंदाजी नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पर जो कानून व्यवस्था है, तमाम और मुद्दे हैं उस पर LG के पास इसका हक है, उसमें कोई रोक टोक नहीं कर सकता है। लेकिन जिस तरीके से पूरा मामला देखा जा रहा है, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने एक अध्यादेश लाने की बात कही और इस अध्यादेश को लाने के तहत यहां पर ये कोशिशें की गई कि यहां पर अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए नजर आएंगे, राज्यसभा में इस अध्यादेश को लेकर जाएंगे और वहां पर चुनौती देते हुए दिखाई देंगे, जिसको लेकर संजय सिंह ने कई खुलासे किए, अरविंद केजरीवाल ने भी कई खुलासे किए। सीधे तौर पर अब सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं, अभी तो यहां पर सिर्फ इस बात का इंतजार किया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में कब इस मामले की सुनवाई होती हुई नजर आएगी। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां खत्म होते हुए सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है और सुप्रीम कोर्ट में फिर से याचिका दाखिल की गई है और यह कहा गया है कि यहां पर अरविंद केजरीवाल के अधिकारों को कोई भी नहीं छीन सकता है, जिसको लेकर राज्यसभा सांसद संजय सिंह कई खुलासा करते हुए नजर आते हैं। यहां पर संजय सिंह कहते हैं कि 5 जजों को चुनौती देते हुए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए थे, अब दोबारा जो सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा, जो अधिकारों को लेकर बहस छिड़ी हुई थी उसमें फिर से यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फंसते हुए नजर आएंगे और सरेंडर करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि झूठा आरोप लगाया जा रहा है और झूठा अध्यादेश लाया जा रहा है। अब इसके विरोध में संजय सिंह क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के अर्जुन और लोकतंत्र की इस लड़ाई में, इस काले अध्यादेश के खिलाफ आज जितनी बड़ी संख्या में आप लोग उपस्थित हैं, ये बताने के लिए काफी है कि अरविंद केजरीवाल ये लड़ाई जीतने जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को ये लड़ाई आप लोगों के दम पे, इसमें जीत हासिल होगी। आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी, पंजाब के मुख्यमंत्री भाई भगवंत मान जी, संविधान के ज्ञाता और जिन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से अपने विचार आपके सामने रखे, राज्यसभा के सांसद कपिल सिब्बल जी, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष भाई गोपाल राय जी, हमारे मंच पर आसीन तमाम सम्मानित हमारे साथियों दोस्तों, आज एक काला अध्यादेश लाकर नरेंद्र मोदी जी की सरकार सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के फैसले को बदलना चाहती है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों के फैसले को बदलना चाहती है, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का अधिकार छीनना चाहती है। इस काले अध्यादेश के माध्यम से लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, दिल्ली की सत्ता को खत्म करना चाहती है। तो मैं आज इस रामलीला के मैदान से नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं, तुम अगर दिल्ली की सरकार को बदलना चाहते हो,
दिल्ली के संविधान को बदलना चाहते हो तो दिल्ली और देश की जनता केजरीवाल के साथ मिलके तुम्हारी सत्ता को बदलने का काम करेगी, तुम्हारी सत्ता को बदलने का। तानाशाही की पराकाष्ठा है, अत्याचार की पराकाष्ठा है। आज दिल्ली में केजरीवाल को किस जुर्म की सजा मिल रही है? यह कि वो अच्छे अच्छे शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, यह कि वो मासूम बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनवा रहे हैं, यह कि बिजली फ्री दे रहे हैं। केजरीवाल को सजा इस बात की मिल रही है कि वो मोहल्ला क्लिनिक बना रहे हैं, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा दे रहे हैं, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा दे रहे हैं। देश में पहली ऐसी सरकार बनाई जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आती है तो कहती है हमें केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का स्कूल देखना है। 75 साल में यह काम करके केजरीवाल ने दिखाया। आज इस बात की सजा इनको मिल रही है। 49 विधायकों को हमारे पकड़ के जेल में डाल दिया। भाई मनीष सिसोदिया जी जेल में है, सत्येंद्र जैन जी बड़ी मुश्किल से जमानत में बाहर आए, 36 किलो उनका वजन कम हो गया। साथियों आप देखेंगे तो आंख से आंसू आ जाएगा। हमारे मंत्रियों को, हमारे विधायकों को, पार्टी के नेताओं को, अरविंद केजरीवाल को अपनी तानाशाही से दबाने का जो जुर्म नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं इस काले अध्यादेश के माध्यम से, मैं कहना चाहता हूं आइए हम सब मिलके इस सरकार के चेहरे को काला करने का काम करें। हम सब मिलके इसके चेहरे को काला करने का काम करेंगे। साथियों और दोस्तों, ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, आपको भगवंत मान जी को और आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी को सुनना है। बस एक ही बात कहना चाहता हूं, पूरे देश के नेताओं से पिछले दिनों में अरविंद केजरीवाल जी ने मुलाकात की है, सबका समर्थन मिल रहा है। आज आप इतनी भारी संख्या में यहां पर इकट्ठा हुए हैं, पूरे देश में इस आंदोलन को बढ़ाना होगा, लेकिन कतई भी ये मंजूर नहीं है कि दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का अधिकार छीना जाए। और इस अधिकार को अगर छीना गया तो सड़क से लेके संसद तक लड़ाई होगी। राज्यसभा में जब यह बिल आएगा तो इस बिल को सारी विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर गिराने का काम हम लोग करेंगे। राज्यसभा में यह बिल पास नहीं होने देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब, आम आदमी, आम आदमी। जैसे कि आपने संजय सिंह को सुना, सीधे साफ शब्दों में कहा जाए तो दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना इसमें बराबरी के जिम्मेदार ठहराए जाते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर काम करते हैं, उनके इशारों पर काम करते हुए यहाँ पर फैसला लेते हैं और अरविंद केजरीवाल के कामों में टांग अड़ाने का काम करते हैं। जैसे कि अरविंद केजरीवाल कई ऐसी योजनाएं लेकर आते हैं, कई ऐसी नीतियां लेकर आते हैं जिसके विरोध में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी एलजी का इस्तेमाल करती है, वीके सक्सेना का इस्तेमाल करती है और यहां पर उनका इस्तेमाल करते हुए उनके अधिकारों को, उनके फैसलों पर रोक लगाती है। जैसे कि मुफ्त बिजली फाइलों को बंद करने का काम किया गया, जैसे कि यहां पर मुफ्त बिजली योजना लाई गई थी जिस पर अरविंद केजरीवाल ने तमाम तरीके से यह कहा था कि अगर आम जनता चाहती है तो उन्हें मुफ्त बिजली मिलती हुई नजर आएगी, लेकिन इस पर रोक लगाई गई जिसके बाद अभी ये फाइलें बंद नजर आ रही। उसके बाद यहां पर महिलाओं को मुफ्त बस सुविधा की बात कही गई, उस पर भी कहीं ना कहीं अड़चन नजर आ रही है और यहां पर जो बसों की संख्या बढ़ाने की बात कही जा रही थी उस पर भी रोक लगाने का काम किया। और सीधे तौर पर अब यहां पर अरविंद केजरीवाल को फंसाने के लिए अब मनीष सिसोदिया का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि वहां पर ईडी सीबीआई के अधिकारियों ने जैसे यहां पर उनको रोक लगाई है, अब ऐसे में देखा जा रहा है कि उन अधिकारियों का तबादला यहां पर अरविंद केजरीवाल करवा सकते थे। यहां पर कुछ ऐसे प्रशासनिक अधिकारी हैं जो यहां भ्रष्टाचार फैला रहे थे, उनका तबादला करवा सकते थे। इसलिए यहां पर सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की, उपराज्यपाल वीके सक्सेना की पोल खुल जाती तो यहां पर अध्यादेश लाया गया, लेकिन अब इस अध्यादेश को चुनौती देते हुए अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुके हैं और अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अब फिर से सुप्रीम कोर्ट में भी जीत होगी और सुप्रीम कोर्ट के बाद राज्यसभा में भी उनकी जीत होती हुई नजर आएगी। अब ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या वाकई यहां पर अरविंद केजरीवाल की जीत होती हुई नजर आएगी? अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो अध्यादेश जारी किया गया है क्या वो वापस होगा? क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।